हेलो दोस्तों, मैं हूं शान। किसान की रेडियो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिजेंटा के रेडोमिल गोल्ड के बारे में। प्याज की नर्सरी में पौध गलन रोकने के साथ साथ यह और भी कई फसलों में किन किन बीमारियों पर कंट्रोल करता है और इसका टेक्निकल नाम, इसका रेट और इसके डोज सब कुछ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर और पास में लगी घंटी को दबा देना, जिससे आपको खेती से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं प्याज की नर्सरी के बारे में। जो भी किसान भाई प्याज की खेती करते हैं वह सबसे पहले प्याज के बीज की नर्सरी तैयार करते हैं और इस अवस्था में कई किसान भाइयों की प्याज की नर्सरी में पीथियम नामक फफूंद लगती है, जिसे हम पौध गलन कहते हैं। इस बीमारी के लगने से पौधे पर जमीन से लगे हिस्से में काले घेरे पड़ते हैं और पौधे मुरझा कर गिर जाते हैं या फिर एकदम से पीले पड़कर सूख जाते हैं, जिसे हम झुलसा रोग भी कहते हैं। अब इन रोगों से नर्सरी को बचाने के लिए या अन्य फसलों में लगी फफूंदी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हम सिजेंटा के रेडोमिल गोल्ड का उपयोग कर सकते हैं। प्याज की नर्सरी में पौध गलन और झुलसा रोग का नियंत्रण करने के लिए 50 ग्राम रेडोमिल को 15 लीटर पानी में मिलाकर हल्की बारिश के जैसे स्प्रे करना है। सिजेंटा रेडोमिल गोल्ड को आप और भी फसलों में उपयोग कर सकते हैं, वो इसके बाद में बताऊँगा। पहले बात कर लेते हैं कि रेडोमिल गोल्ड है क्या। दोस्तों, रेडोमिल गोल्ड हाई क्वालिटी का अंतर्राष्ट्रीय फफूंदनाशक है। यह सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, यानी कि यह अंतर प्रवाही व स्पर्शी दोनों तरीकों से काम करता है। रेडोमिल गोल्ड के अंदर दो टेक्निकल है, पहला है मेटलग्जिल एम 4% और दूसरा है मैनकोजेब 64%। यह पाउडर फॉर्म में आता है। इसका रंग डार्क येलो सा मटमेला रंग सा होता है। इसमें उपस्थित मेटलग्जिल एक अंतर प्रवाही फफूंदनाशक है, जो कि पौधे पर स्प्रे होते ही उसके उत्तकों के माध्यम से पौधे की जड़ में पहुंच जाता है और वहां से पुनः व्यवस्थित रूप से पूरे पौधे में हर हिस्से में फैलता है। और मैनकोजेब एक स्पर्शी फफूंदनाशक है, जो कि पौधे के संपर्क में आते ही उसके ऊपरी भाग में फैल कर निम्न बीमारियों को कंट्रोल करता है। रेडोमिल गोल्ड मुख्यतः डाउनी मिल्ड्यू, लेड ब्लाइट, पछेते झुलसा, डंपिंग ऑफ, पौध गलन, अल्टरनेरिया, पेरनोस्पोरा जैसी फफूंदी बीमारियों को कंट्रोल करता है। इसका उपयोग आप मुख्यतः प्याज, टमाटर, खीरा, अंगूर और सोयाबीन की फसलों में कर सकते हैं। इसे आप सब्जियों की फसल पर भी स्प्रे कर सकते हैं। मार्केट में आपको 1 किलो 500 ग्राम, 250 ग्राम और 100 ग्राम के पैक में आसानी से मिल जाएगा। इसकी एक और स्पेशल बात यह है कि रेडोमिल गोल्ड के हर पैक के अंदर आपको 50-50 ग्राम के छोटे छोटे पैक मिलेंगे, जिसे आप आसानी से उपयोग कर सकेंगे। बताई गई फसलों में इसका डोज है 500 ग्राम प्रति एकड़, जिसे 180 लीटर पानी के साथ स्प्रे करना है। अब अंत में बात करें इसके रेट की, तो रेडोमिल गोल्ड का 500 ग्राम का पैक 700 से 800 रुपये के बीच आता है। अगर आप इसे और सस्ते में ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेटलग्जिल और मैनकोजेब के कॉम्बिनेशन को सिजेंटा कंपनी को छोड़कर अन्य कंपनियों का खरीद सकते हैं। हो सकता है आपको यह थोड़ा सस्ता मिल जाए, लेकिन अगर आप रिजल्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप सिजेंटा का रेडोमिल गोल्ड ही खरीदें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।